हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं TSMSET 2022 के बारे में। जी गाइस, आप लोग का TSMSET 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होने वाला है, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करके आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं TSMSET 2022 के रिगार्डिंग और डिटेल में जानना। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूं कि आप लोगों को यहाँ पे TSMSET का फुल फॉर्म बता दूं, तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TSMSET का फुल फॉर्म है, जो कि स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर और मेडिकल के फील्ड में वेरियस कोर्सेज में एडमिशन मिल सकते विद इन तेलंगाना स्टेट। और गाइस, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है कंडक्ट करवाया जाता है जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के थ्रू। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में रिलीज होगा, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो है सबमिट करना होगा। क्या प्रोसेस है, कैसे ऑफिशियल लिंक मिलेगी, वो सारी डिटेल आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम भी आपका ऑनलाइन मोड में ही, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है। अब गाइस, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम एग्जाम डेट्स की। तो आप लोगों की यहाँ पे जो एग्जाम है TSMSET 2022 का, वो गाइस यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का एग्जाम जो है अगस्त में कंडक्ट करवाया जाता है। ऑल दो अभी तक जो आप लोगों की एग्जाम डेट है अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू यहाँ पे रिलीज नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही आप लोगों की जो डेट्स है इवेंट्स की, जैसे लाइक एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना है, सिलेबस का हो गया, सारी चीज़ें जैसे ऑफिशियल अथॉरिटी रिलीज करेगी, हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, वीडियो में डिटेल डेट्स एक्सप्लेन कर जाएगी और आप लोगों को वीडियो नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे। सो गाइस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी गड़बड़ है, कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आप लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। तो गाइस, क्या है एप्लीकेशन प्रोसेस, किस तरह से एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने से बचाना है, ये सारी डिटेल हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। आप लोगों को क्या करना रहता है गाइस, आपको जो है सिंपली रजिस्ट्रेशन करना होगा सबसे पहले, जिसमें आप लोगों को पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होती है, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिकेशन एड्रेस, उसके बाद आपको पेरेंट्स डिटेल्स फिल करनी है, देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है और लास्ट में आप लोगों को जो एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। जब गाइस ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद गाइस आप लोग का जो है एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट होता है सक्सेसफुली। लेकिन इसमें कुछ भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी गड़बड़ होती है, तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है और आप लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो गाइस, अब आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को जो है जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तो उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे और उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी हाँ गाइस, फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेके टू फाइनल सबमिशन आपके एप्लीकेशन फी तक आप लोगों को उस वीडियो में पे करके बताई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, ताकि आपको कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। सो अब नेक्स्ट बात कीजिए एप्लीकेशन फी की। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर्स के लिए गाइस SC ST कास्ट के लिए 400 है, रेस्ट अदर कैटेगरीज के लिए 800 रुपीज चार्जेस है। एग्रीकल्चर एंड मेडिकल के लिए गाइस SC ST के लिए 400 एंड अदर कैटेगरीज के लिए 800 अगेन। और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर एंड मेडिकल, यानी कि E&AM, यानी कि इंजीनियरिंग भी और एग्रीकल्चर और मेडिकल भी, उसके लिए SC और ST कास्ट के लिए 800 रुपीज चार्जेस हैं और दूसरे सारे कैटेगरीज के लिए जो है 1600 रुपीज चार्जेस रखे गए। अब आ जाते हैं यहाँ पे गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो गाइस, अगर आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होगा। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो गाइस आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, इस एग्जाम के लिए गाइस आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले बता दो कि आप लोग जो है यहाँ पे नेशनलिटी आपकी इंडियन रहनी चाहिए या फिर PIO या OCI है, तो भी गाइस आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे जो है तेलंगाना या आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हुए रहनी चाहिए,
यहाँ पे नॉन लोकल या लोकल आप लोगों की तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की आप लोगों की एस्टेब्लिशमेंट रहनी कंपलसरी। अब बात की जाए कि आप लोग की एज लिमिट की, तो 17 इयर्स आपके मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे रख दी गई है। आप 12 पास आउट रहनी चाहिए विथ PCM फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट। अब गाइस नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। तो गाइस आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पे आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही लगे सिंपली उस एक ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। टोटल 160 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पूछे जाएंगे। और बात की जाए मार्क्स की, तो गाइस यहाँ पे 160 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर भी होगा और ड्यूरेशन आपको टोटल 3 आवर्स की दी जाएगी। 3 घंटे में पूरा पेपर आपको कंप्लीट करना है। आप लोगों का जो पेपर है गाइस वो इंग्लिश तेलुगु और इंग्लिश और उर्दू यहाँ पे ये 30 लैंग्वेजेस में आपका पेपर रहेगा। एंड मार्किंग स्कीम गाइस यहाँ पे हर एक सही आंसर पे 1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत आंसर पे कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस गाइस यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्कस नहीं कर सकते थे, काफ़ी वास्ट हो जाता था, इसलिए सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से आप सिलेबस डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं गाइस यहाँ पे एडमिट कार्ड पे। सो गाइस आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है उसमें आपकी बेसिक सी डिटेल्स रहती है, आपका फोटोग्राफ रहेगा, आपका सिग्नेचर हो गया, फिर सब्जेक्ट्स, टाइमिंग, एग्जाम सेंटर का वेन्यू हो गया, ये सारी डिटेल्स उसमें दी हुई रहती है। अब गाइस मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है एडमिट कार्ड को लेकर, कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता गाइस कि एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज हो चुका है और इस वजह से वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। लेकिन गाइस आप लोगों के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि गाइस जैसे आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताया जाएगा किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक दे दी जाएगी जिससे आप आसानी सिंपली एक क्लिक के थ्रू अपना जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एंड सेम एज इट इज फॉलो होगा रिजल्ट के लिए, रिजल्ट निकले होते आपको तुरंत अपडेट करके नोटिफाई कर दिया जाएगा जिससे आप आसानी से अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। सो नाउ आई होप कि आप लोगों को कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे TSMCET 2022 के रिगार्डिंग। इनके सभी भी और कोई डिटेल जानना है, कोई भी हेल्प आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।